चीन के अलावा अब तो भारत में भी फेंग शुई का काफी चलन तेजी से बढ़ रहा है। इसके आधार पर हम घर में रखी कई चीजों का ज्ञान रखते हैं, जिसके चलते हमारे घर में लक्ष्मी प्रवेश कर जाती है। आपको बता दें, अगर फेंग शुई की बातों का ध्यान रखकर हम उपयोग करें तो विशेष फायदा होने के चांस बन जाते हैं। आज हम आपको कुछ ऐसी चीजों के बारे में बताते हैं जिन्हें घर में रखने से आप भी चीन के लोगों की तरह मालामाल हो सकते हैं। चलिए आपको बताते हैं। बोनसाई का पौधा। चीन के लोग अपने घर में बोनसाई बांस का पौधा रखते हैं। फेंग शुई विशेषज्ञों का कहना है कि इस पौधे को घर में रखने से तरक्की और खुशियां आती हैं। इससे घर परिवार में तमाम सारी चीजों में बदलाव होते हैं, पैसों का भंडार आपके घर आता है। फुकलुक साऊ। फुकलुक और साऊ फेंग शुई के तीन देवता हैं। ये लंबी आयु, भाग्य और धन के देवता माने जाते हैं। इन्हें घर में पूर्व या पश्चिम या उत्तर दिशा में जरूर रखें। घर से आते समय इनके दर्शन जरूर करें। कछुआ। घर के ऊपर एक बैठे तीन कछुए सुख, शांति और वैभव के प्रतीक होते हैं। यह घर में सुख, शांति, वैभव लाते हैं। माना जाता है इस पीस को घर में रखने से पायदान तर पायदान सफलता मिलती है, फायदा भी जरूर होता है। मेढक। चीन के हर घर की दहलीज या बगीचे में मेढक जरूर होता है। चीन में इसे लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। यहाँ के लोग घर में तीन पैर वाले मेंढक की मूर्ति या चिन्ह रखते हैं, जिसके मुंह में सिक्का दबा होता है। यदि आप इसे दरवाजे पर रखें तो ये काफी शुभ होता है। नेक्स्ट 9 स्पिरिचुअल से आकाश की रिपोर्ट।